वो महाज बनाया
हमें पता है वो महाज किसने बनाया था, हमें पता है वो झूठ का नारा था, मुल्क में कितना इंसान पर भाव कर रहा है, मुल्क टूट गया सरदियों ने, हमने बंगालियों को उनके हकूक नहीं दिए, मुल्क टूट गया, सबक नहीं सीखा गया। अब इस मुल्क को इकट्ठे रखना है तो फिर मुल्क में कानून और आईन की हुक्मरानी को यकीन बनाना होगा। हम नवाज शरीफ की, हम मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी नहीं मानते, हम इस मुल्क में कानून और आईन की हुक्मरानी मानते हैं और मानते रहेंगे, और जब तक चुप नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान में आने की हुक्मरानी को यकीन नहीं बनाते। अपने बाकी साथियों के लिए वक्त छोड़ते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पीडीएम एक हुकूमत को गिराने की तहरीक नहीं है। मुझ जैसे सियासी कारकुन जिनकी नस्लें मार्शल्लाओं से लड़ते गुजर गई और जिन्होंने किसी मार्शल्लाओं का दूध नहीं पिया, वो पीडीएम के पास आएगी को भी कहना चाहते हैं कि इमरान खान तो चला जाएगा, एक और इमरान खान आ जाएगा। निजाम की तब्दील पर मोहर लगाने की बात कीजिए, इन लोगों को आजादी दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। ये मुल्क जिसमें दो कानून है, कानून और गरीब का कानून और, ये 72 साल बाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बेगैरत फौज को जो इमरान रियाजी के
के झूठ को सच साबित करने के लिए सारा दिन दौड़ लगाती है कि ये देखो ये है मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोगों का प्यार, ये आज का पिंडाल। और आज जिन दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, ये साबित करता है कि पंजाब और पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ का जरा सुने सुने मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो से हम मुराद हम ये नहीं कहते, सुने वोट को इज्जत दो से मुराद हम ये नहीं कहते कि वोट हमें दे, वोट वोटर की मर्जी है वो जिसको चाहे दे, लेकिन वोट को इज्जत देने से मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो, जो आवाम फैसला करे अपने वोट की करो। मियां नवाज शरीफ ये कहता है कि ये मुल्क वोट की ताकत से जो है वो वजूद में आया, ये आवाम के फैसले को तस्लीम करने पर ये मुल्क वजूद में आया, ये मुल्क एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया, ये मुल्क एक सियासी जवाब की जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। इस मुल्क को वोट की ताकत से चलने दो, इस मुल्क को बंदूक की ताकत से चलाने की कोशिश न करो, इस मुल्क को वोट की ताकत से अगर चलाया जाता तो आज हम जो है वो मेरा ख्याल है कि और नहीं कुछ तो एशियन टाइगर को मर चुके होते। मैं आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारे मकामी कायदीन ने आपको बुला लिया, इतने बड़े जलसे का अहतमाम तो कर लिया, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि ये जो है वो 4:30-5 बजे तक ही मामला खत्म हो जाएगा, लाइटिंग का इंतजाम जो है वो नहीं हो सका, लेकिन महाराज पाकिस्तान आज से 2 साल पहले जब वोट की ताकत से इस मुल्क पे हुकूमत कायम थी, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस मुल्क में जमहूरियत थी, इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी थी, उस वक्त इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए, 11 मई को 5 एटमी धमाके किए और 12 मई को उनका जो वजीर दाखिला था एनके अडवाणी, यहां पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहां जिनको याद होगा, तो एनके अडवाणी आके टेलीविजन पे कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम को अब हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए, अब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि हम एटमी कुवत हैं, हम एटमी कुवत बन चुके हैं, पूरी कौम जो है वो खौफजदा थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत थी, वोट की ताकत की हुक्मरानी थी, तो इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान जो है दुनिया की पहली एटमी कुवत बना। पूरी दुनिया कहती थी कि एटमी धमाके ना किए जाए, क्योंकि हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुवत बन जाए। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन जमहूरियत में इतनी ताकत थी, आईन की हुक्मरानी में इतनी ताकत थी, वोट की ताकत में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके किए।
उसके बाद भी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी नहीं थी, एक आमर हुक्मरान था, जमहूरियत नहीं थी, एक डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी खारजा ने फोन किया तो उनके मुंह देख गए सारे, और उन्होंने जो मुतालबे दस किए थे उनका ये ख्याल था कि वो पांच छह तस्लीम कर लेंगे, बाकी चलो जो है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने सब के सब तस्लीम किए और अफगानिस्तान में जो है वो खून की जो है वो होली की है। उन्हीं मुजाहिदीन को जो इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, फिर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाया गया और इस पूरे खुत्ते को जो है वो दहशतगर्दी को स्पष्ट कर दिया गया। जब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, आईन की हुक्मरानी थी, वोट की ताकत थी, तो पाकिस्तान इतना मजबूत था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वही इल्जाम कि जी करप्शन है, जी ये सही जमहूरियत सही है, हम हकीकी जमहूरियत लाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर आ गया और 12 अक्टूबर आने के बाद फिर अगले 8-9 सालों में जो मेरे बुजुर्ग यहां पे मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे बताओ कि 12 अक्टूबर 99 तक किसी ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का नाम सुना था? किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? किसी को मालूम था कि खुद कुछ हमले क्या होते हैं? उसके बाद फिर इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लोड शेडिंग हुई और हाल ये हो गया अगले 9-10 सालों में कि जब दोबारा इस मुल्क में अवाम ने मियां नवाज शरीफ को अपना मैंडेट दिया और मियां नवाज शरीफ से इंतजार आए तो उस वक्त 24 में से 20-20 गहरे लोड करे हो रही थी। आप बताए हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस वक्त आए रोज जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी, खुद कुछ धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में और पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की दी, आज खुदा की कसम मैं काफी अरसे के बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ आया हूं तो मुझे उस वक्त की याद थी कि कब मुल्तान आएगा और कब उसके बाद जो हम आगे मुजफ्फरगढ़ आएगा। आज मुझे ऐसे पता चला कि मैं लाहौर के एक हिस्से से चला हूं और लाहौर में भी एक दूसरे से चला गया। ये है वो तरक्की जो इमरान न्याजी को नजर नहीं आ रही। इमरान न्याजी के तर्जमानों को उसकी गाली गलौज बरगेज को जहां पर नजर नहीं आ रही। तो इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की क्यादत में इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की गई। वो जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली के कारखाने जो चाइना में तो लग रहे थे 3-3 साल में, यहां पे 1-1 साल में मुकम्मल करवाए मियां शहबाज शरीफ ने। इसीलिए उनका नाम जो है वो उन्होंने कहा कि ये शहबाज स्पीड है। इस तरक्की से जो है वो तरक्याती काम हुए इस मुल्क में, लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, खुद कुछ धमाकों का खात्मा हुआ, काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई गई, पुलिस को मजबूत किया गया और पुलिस के जवानों ने, शहदा ने, सीटीडी के शहदा ने, एजेंसी के शहदा ने और पाक फौज ने मिलकर जो है इस मुल्क से दहशतगर्दी जो है वो खत्म की। जब ये सारे काम हो गए, मुल्क आगे बढ़ने लगा, जब 1998 में एटमी धमाके हुए थे
उस वक्त पूरी दुनिया के अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान एटमी कुवत बन गया, पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। जब दोबारा मियां नवाज शरीफ बच्चे खिताब आया तो पूरी दुनिया के रिसाले और पूरी दुनिया के तजिया नगार कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और दहशत गर्द जो है ये सवाल तक पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। और जब 5 सालों में बल्कि 4 सालों में जब दहशत गर्दी भी खत्म हुई और जब जो है तरक्याती काम भी हुए और लोड शेडिंग भी खत्म हुई तो फिर वही ड्रामा जो है वो जाया, जो ड्रामा जो है वो 99 में जाया गया। जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, जब मुल्क जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था, जो ड्रामा उस वक्त रचाया गया, फिर 20 साल बाद जो है दोबारा से जब मुल्क समझ गया, जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया, जब हमारी की रेशो है वो 5.86% तक पहुंच गई, उस वक्त जो है वो दोबारा वही जो है वो ड्रामा रचाया गया, वही किरदार जो है वो दोबारा से सरगर्म हुए और वही जो है वो फिर दोबारा जीआईटी बनी, बाबा रैंक पे आ गया, रेफरेंसेस बने, अरशद मलक जैसे चोर जो है वो जहीद जो है वो बनाए गए और मियां नवाज शरीफ को इस कौम की खिदमत करने की जो सजा दी गई। आज वो रावल पिंडी का शैतान सीधा टली कहता है और ये इमरान यादी कहता है कि 120 अदालतें बना ले, 120 अदालतें बना ले और फटाफट मुकदमे चला के जो वहां पर इन लोगों को सजाएं करके जो है वो जेलों में भेज दे। और खुद तो तुम दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो रहे हो, प्रोसिक्यूटर से बयान दिलवा के कि जी ये केस में कुछ नहीं है, ये केस नहीं चलना चाहिए, ये केस वापस दे दे, इस केस का चलना जो है वो कीमत का ज्या है। और हमारे लिए कह रहे हो कि जी 120 अदालतें बनाओ, 120 अरशद मलिक ढूंढो, उनको अदालतों में बिठाओ और अपोजिशन को जो है वो सारी को जेलों में जो है वो बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। इमरान न्याजी साहब और सीधा टली साहब के नहीं होगा, इस मुल्क के आवाम ने ये फैसला कर लिया है और आज का ये इज्तिमा और आज के दिन ऐसे वक्त में जब आपको कह रहे हैं कि लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, वो आओ आज यहां पे देखो। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूं कि आज दिखाई ये चीज कि कौन लोग जो है वो आज शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग लोन में, ताकि पता लगे उनको कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को अवाम ने किस तरह से तस्लीम किया है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, ये हर गरीब का बयानिया है, ये हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का बयानिया है। इंशाअल्लाह ताला ये बयानिया कामयाब होगा। और ये बात क्या है, हम ये कहते हैं कि हमें इख्तदार दो, हम ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। और इख्तदार जो है वो उन लोगों को दो जिनको लोग मुंतखब करें, ऐसे लोगों को नहीं कि जिनको दफ्तरों में बुलाया जाए, बुला के कहा जाए कि तुम ये जमात छोड़ो और इस जमात में शामिल हो जाओ। और अगर वो कहे कि ये बड़ा मुश्किल है, लोग हमें जूते मारेंगे, तो फिर को चलो छो चलो आजाद हो जाओ। और जब फिर जनूबी पंजाब को आजाद करके भी तुम्हें नजर आए कि जीत नहीं सकते, तो फिर उनको बनी गाला ले जाया जाए और वहां पे जाके पटे पहनाए। ये इस तरह से कामयाब ना करवाया जाए, ये इलेक्शन नहीं है, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये आईन की हुक्मरानी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आईन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, वोट की इज्जत, आवाम के फैसले की इज्जत।
हम सिर्फ ये चाहते हैं। और मैं आपकी बात ये कह दूं कि आज से 20 साल पहले ये ड्रामा रचाया गया और इस मुल्क को अंधेरों में धकेला गया, तो उसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ की शक्ल में इस कौम को रहबर मिला और उन्होंने दोबारा सिर्फ अगले 4 सालों में इस मुल्क को अंधेरों से भी निकाला, इस मुल्क को दहशतगर्दी से भी निकाला। लेकिन ये ड्रामे जो है ये रोज रोज ना रचाए जा सकते हैं और ना रोज रोज मुल्क को अंधेरों से उठाया जा सकता है। ये 70 सालों से ये हो रहा है कि हर 5-10 साल बाद जो है हमें दोबारा जो है वो अंधेरों की तरफ भेज दिया जाता है। कौम दोबारा से जो है वो रोशनी की तरफ आती है, कौम दोबारा से जो है वो तरक्की की तरफ आती है, फिर दोबारा उसे अंधेरों की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। ये बार बार ये ड्रामा जो है कि अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, शायद अब इस कौम में ये सकत भी नहीं है और शायद अब इस मरतबा भी हमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता जो है वो हम फिर अंधेरों से निकल ना सके। इसलिए मेरी आपसे भी जनूबी पंजाब के आप आज यहाँ पे मुस्लिम लीग वोट के वर्कर्स बैठे हैं और अहदेदार बैठे हैं, मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि ये पैगाम जो है ये गली गली ऊंचा ऊंचा पंचायत जनूबी पंजाब जाग जाएगा तो पूरा पंजाब जाग जाएगा और पूरा पंजाब जाग जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा और मियां नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब होगा, वोट को इज्जत मिलेगी और अवाम का फैसला जो है वो तस्लीम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की शान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरूजी सेक्रेटरी जनरल चुनाव में सर इकबाल साहब वो भी बैठने होंगे भैया। मोहतरम मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान डिवीजन और जिले के अहदेदारान और मेरे दोस्तों भाइयों, मोबाइल की लाइटें ऑन कर लें। मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले तमाम साथियों को खुशामदीद कहूंगा। आपके आने ने साबित कर दिया है कि हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पैगाम के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती है। आज इस मुल्क के ऊपर जो धांधली और सिलेक्शन के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई उसने पाकिस्तान की तरक्की को मनिया मेट कर दिया है। आज कौम असली और नकली का फर्क जान चुकी है और इंशाल्लाह ताला दोबारा इंतखाब होगा मुस्लिम लीग नून।
दोबारा जारी और साबित किया जाएगा। आज साउथ पंजाब उन सड़कों को, उन मोटरवेज को, उस मेडिकल कॉलेजेस को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को और तरक्की के उन मंसूबों को जिनको वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ साउथ पंजाब के लिए शुरू किया कभी नहीं भुला सकता। मैं आप सबका आज के जज्बे पर, आज के सालियात कन्वेंशन पर मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह आइंदा किसी मौके पर तफसील से बातचीत करूंगा। चूंकि मगरब की अजान का वक्त हो चुका है, नमाज का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। मैं तमाम अपने